हेलो दोस्तों, ये है JNV एस्मो काम। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि JNV एस्मो काम कहाँ पर है, सोच रहे होंगे आप। ये है JNV एस्मो काम, जिसे बोलते हैं अनंतनाग कश्मीर वैली में। यहाँ से जो श्रीनगर की दूरी जो है वो है आपकी 70-80 किलोमीटर लगभग। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अभी इसका गेट द्वार है। और यहाँ से आगे जब चलते हैं, ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सेब के पेड़। क्या बोलते हैं ना, सेब के पेड़। आप इस JNV स्कूल में, जो कि एस मुकाम अनंतनाग कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे आगे हम चलेंगे जब, तो ये आप देख रहे हैं ना, पहाड़ पूरे चारों तरफ इसके पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, है ना। यहाँ पे जो स्कूल है वह केवल पहाड़ों में ही बसा हुआ है। और देख सकते हो यहाँ पे जो है, ये सेब के पेड़ जो हैं, यहाँ पे सेब छोटे छोटे अभी चढ़ना चालू हो गए हैं। देख सकते हैं आप, जो छोटे छोटे सेब हैं वह लगना चालू हो गए हैं। अभी 2 महीने बाद ये तैयार हो जाएंगे, पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से क्या है, यहाँ स्कूल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और आप स्कूल को देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है इसका, है ना। JNV एस मुकाम, यह जो है आपका, जो दिख रहा है, जो रेड कलर में दिख रहा है, यह स्कूल की मेन बिल्डिंग है, एकेडमी ब्लॉक। वहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, प्रेयर स्थल है, प्रार्थना स्थल जिसे बोलते हैं, है ना। यहाँ पे ये प्रिंसिपल सर का क्वार्टर है। और इसके पीछे देखते हैं जब आप, तो यहाँ आपको पूरा पहाड़ी इलाका दिखाई दे रहा होगा, पूरा का पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है ऐसा लगता है, है ना। लगता क्या है, है ही है एक्चुअल में। और जब आप आगे चलेंगे, जो टीचर्स एंड बच्चों के हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे जब चलेंगे आप, देखिए यहाँ पे चारों तरफ क्या है, ये मुसलमान भाइयों का इलाका है। और यहाँ पे क्या है, पूरा जो शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक कश्मीर, जिसको बोलते हैं जन्नत है, है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये अभी शाम का टाइम हो चुका है, और लॉकडाउन की वजह से क्या है, यहाँ स्कूल में कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, केवल कुछ टीचर्स रुके हुए हैं। और यहाँ पे देखो, इस पेड़ में आप देख सकते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा सेब जो हैं देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं। आपका खाने का तो बहुत मन कर रहा होगा। ये देखिए, ये सेब के पेड़ हैं। और यहाँ पे अक्सर ऐसे काफ़ी सारे पेड़ हैं जो कि आपको दिखाई देंगे। और क्या है, बच्चे भी इन्हें तोड़ तोड़ के यहीं से खाया करते हैं, जो कि लगभग 1-1.5 महीने बाद ये पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाएंगे। जैसे भी आप चारों तरफ देखेंगे, यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है, ऐसा लगता है यहाँ से सनसेट होता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ों के पीछे से सूर्य जो है छुपता हुआ नज़र आता है। यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है, आप उससे देखते ही आपका मन करेगा आने का। और ये देखिए, ये क्या है, गेस्ट हाउस यहाँ पे। और ये आपका क्या है, ये अब आगे जब चलते हैं हम, तो यहाँ आपको दिखाई देगा क्या, यहाँ आपको दिखाई देगा डाइनिंग हॉल, है ना। यहाँ पे क्या है, बच्चे आते हैं, भोजन करते हैं। और इसका जो शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं, क्या टीचर्स और बच्चे जो हैं, उनके हॉस्टल जो हैं, ये इधर सामने जो क्वार्टर दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे हैं। और ये जो डाइनिंग हॉल है, है ना, इसमें, इसके अंदर क्या है, बच्चे जाते हैं और भोजन करते हैं आपस में बैठ करके प्रेम पूर्वक। और यहाँ पे क्या है, इधर भी आप देख सकते हैं, तो ये क्या है, फौजियों का एक कैंप लगता है, या फौजी लोग जो हैं यहाँ पे अंदर जो हैं, उन्होंने अपने कैंप लगा रखे हैं, और वो आसानी से यहाँ रहते हैं
और यहीं से अपनी ड्यूटी जगह जगह जा कर के देते हैं। फौजी भाई लोग भी यहीं पर रहते हैं। इधर जब आप आगे चलते हैं, ये भी क्या है, ये सब ये मैस है आपका। इधर जब सीनियर बॉश बॉयज हॉस्टल में चलते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर सीनियर बॉयज हॉस्टल दिखाई दे रहे हैं। पूरे पहाड़ी का नज़ारा बहुत ही शानदार नज़ारा, जैसा कि आप देखते होंगे सुबह और शाम का नज़ारा तो यहाँ का इतना खूबसूरत होता है कि कुछ कहने का नहीं है ना। वो प्लेग्राउंड भी दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है, जैसा कि आप देख रहे होंगे नीला नीला सा जो दिख रहा है। वहाँ पे जो मुसलमान भाई लोग हैं वहाँ पे नमाज भी अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि बच्चे खुश रहें। उसके बाद जब चलते हैं, यहाँ पे ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल बना रखा है। उसके इधर इधर भी क्या है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, सभी क्या है इधर ही बना रखे हैं। और आगे जब भी चलते हैं आप, हम हैं आगे जब भी चलते हैं, भी आगे चलते हैं तो देखिए जो शाम का नज़ारा कितना रंगीन नज़ारा यहाँ का दिखता है। जैसा कि आप सोच रहे होंगे आने की कि हम एक बार इधर JNB में ज़रूर होकर के आए, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे माइग्रेशन भी नहीं होता है, बच्चों का जाते हैं तो लगभग माइग्रेशन होता भी है तो यहाँ जाते हैं पंजाब हरियाणा साइड में, है ना। ये देखिए ये टीचर्स के क्वार्टर हैं, उधर आप देख सकते हैं। और ये क्वार्टरों के पीछे ही क्या है, जस्ट जो आपको रेड लाइट दिखाई दे रही है, इधर से इधर कोने पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे फौजी भाइयों ने कैंप लगा रखा है इस वाले एरिया में, है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पीछे ही नदी बहती है, जो पहाड़ों पहाड़ जो आपको दिख रहे होंगे, पहाड़ जो दिख रहे होंगे ना आपको, वहाँ उन पर बर्फ़ जमी रहती है। तो जैसे ही धूप पड़ती है ना तो वो बर्फ़ पिघल पिघल के क्या है, एक छोटी सी नदी के माध्यम से क्या है, पानी जो है उसका वह बहता हुआ निकल जाता है। और उसी पानी से क्या है, ये लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, चावल की खेती करते हैं। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ज़्यादातर यहाँ पे अखरोट के पेड़ मिलेंगे आपको, अखरोट के पेड़ और सेब के बागान। और किसी किसी जगह पर क्या है, यहाँ केसर की खेती भी दिखाई देती है आपको, लेकिन यहाँ तो नहीं है। लेकिन यहाँ से एक 10-20 किलोमीटर की दूरी पर जब जाएंगे हम तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, केसर की खेती जो होती है। आप सोच रहे होंगे केसर कैसी होती है, तो वह क्या है, जिस प्रकार से धागा होता है ना, धागा, उसी प्रकार की वह क्या होती है, केसर होती है। छोटे से धागे जैसे एक दो अंगूर के क्या है, धागे से होते हैं वो, पतले पतले महीन और रेड होते हैं वो, तो उसको केसर कहा जाता है। केसर का उपयोग क्या है, केसर से क्या होता है, आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, है ना। तो केसर जो होती है ना वो क्या होती है, देखो ये गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल, ये जो शानदार नज़ारा यहाँ का दिखाई देता है बहुत ही सुहावना लगता है ना। और यहाँ के मौसम का तो कहना ही कुछ अलग है, कहते हैं यहाँ पसीने की बूंद भी तक नहीं आती है, चाहे कोई सा भी महीना हो, चाहे जून का महीना हो या जुलाई का महीना हो, एक पसीने की बूंद तक नहीं आती है। यहाँ का मौसम जो है हमेशा ठंडा बना रहता है, इसीलिए इसको कश्मीर कहा जाता है। हाँ, जो मैं केसर की आपको बात बता रहा था ना, जो केसर का उपयोग है, जैसे दूध में डाल लो उसको, है ना, थोड़ी देर खौलाएंगे दूध को, उबाल लेंगे तो क्या होता है, वह दूध पीला हो जाता है ना। दूध को पीने से क्या है, कुछ शरीर में जो है वो लाभदायक होता है बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं। ये जो क्वार्टर देख सकते हैं आप, यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही शानदार नज़ारा आप कह सकते हैं इसको। और यह जो नज़ारा है आप कह रहे होंगे बहुत ही सुंदर नज़ारा जो यहाँ से आपको दिखेगा, चारों तरफ पहाड़ी और बीच में नदियाँ, और यहाँ इन्हीं पेड़ों के पीछे आगे क्या है, चारों तरफ जो गांव घर हैं यहाँ के लोगों के, वो भी बसे हुए हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। ये अपने बॉयज हॉस्टल हैं, इधर भी लोगों के मकान हैं, घर बने हुए हैं, और इधर भी क्या है क्वार्टर बने हुए हैं जो कि आपको सीक्वेंस में दिख जाएंगे। टीचर्स हैं एंड अदर वर्कर्स हैं, उनके भी क्या है क्वार्टर यहाँ बने हुए हैं। यहाँ जो पहाड़ियों का नज़ारा जो है और यहाँ के जो मौसम का नज़ारा है उसके तो कहने ही क्या भाई। यहाँ पे जब आएंगे ना आप लगातार कंटिन्यू 3-4 महीने तो बर्फ़ मिलेगी। आप नवंबर से जब आए हैं मान लो, है ना, जब नवंबर में आएंगे आप तो यहाँ ये जो ज़मीन है या कहीं भी पेड़ पौधे या नीचे ज़मीन हो तो यहाँ सब क्या है आपको बर्फ़ ही बर्फ नज़र आएगी। पूरा सफ़ेद एक परत सी बिछ जाती है यहाँ पे बर्फ़ की, और बर्फ़ में क्या है सुंदर नज़ारा होता है। जब धूप खिलती है तो आँखें भी चमया जाती हैं, है ना, चमक आ जाती हैं, बिल्कुल आँखों से भी दिखाई देने नहीं लगता। और यहाँ पे हम अक्सर खेले थे, जब इस बार बर्फ़ पड़ी थी ना तो अब तो लॉकडाउन की वजह से क्या है यहाँ पे कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। 2-4 या कह सकते हैं 10-15 लोग जो हैं यहाँ पे रुके हुए हैं बस। और आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और आपका भी मन किया करें अगर घूमने का तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर किसी का भी मन कर रहा हो यहाँ आने का, है ना, कश्मीर बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, कश्मीर एक जन्नत है, तो वो वाकई में एक जन्नत कहलाता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे हैं। सो गाइस थैंक यू।